morning students, I am your English teacher and today I will teach you English of class 8. Today we do part 3 of chapter 4. This is the chapter 4, Kalam's Childhood. आज हम इस chapter का part 3 करेंगे और अब part 3 में हम बच्चों hard words करेंगे और उनका meaning बताएंगे आपको और फिर उन हार्ड वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं. आपको अपनी बुक में इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. सबसे पहले चलिए आप अंडरलाइन कीजिए. इनहेरिटेड, नॉन वर्बल मैसेज, इंट्यूटिव, अनहेसिटेटिंगली, ओस, ऑर्थोडॉक्स, टर्न द पेज. सेग्रीगेशन, मिंगल, इमिनेंट, अनप्रेसिडेंटेड, ऑप्टिमिज्म, फॉरगो, हेसिटेंट, इनरोल, थ्राइविंग, ग्रैब्ड. नाउ नेक्स्ट पेज. कम टू टर्म्स विद, डेस्परेटली. फिनिश. ये आपके क्या हैं बच्चों हार्ड वर्ड्स. अब हम इन्हीं हार्ड वर्ड्स के आपको मीनिंग बताएंगे और उनके सेंटेंस. सी इन दिस कॉपी, क्लास 8, चैप्टर 4, कलाम्स चाइल्डहुड. दीज आर हार्ड वर्ड्स एंड दीज आर मीनिंग एंड हियर सेंटेंस आर रिटन. फर्स्ट इज इनहेरिटेड. इसका अर्थ होता है वंशागत, यानी जो हमें वंश से मिलता है. दिस क्वालिटी इज इनहेरिटेड, यानी हमारे अंदर जैसे कुछ गुण हमारे पेरेंट्स के आ जाते हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके गुण आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं वंशागत. इंट्यूटिव, अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान, यानी कि जो नेचुरल विजडम होता है, यानी कि जो प्राकृतिक पहले से ही किसी कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसे कहते हैं इंट्यूटिव. इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैव इंट्यूशन टू हैव समथिंग गुड इन फ्यूचर. नॉन वर्बल मैसेज, इसका अर्थ होता है बिना बोले संदेश देना. इट्स अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल मैसेज. ओज, यानी बकाया, आई ओ यू सम मनी. ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, यानी कि जो परंपराओं में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं. डोंट बी ऑर्थोडॉक्स, यानी कि ज़्यादा रूढ़िवादी मत बनो. सीधे से है सेग्रीगेशन, इसका अर्थ होता है अलगाव. आई डोंट वॉन्ट टू सेग्रीगेट फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने पुराने दोस्त से अलग होना नहीं चाहता. मिंगल का अर्थ होता है मिलना. वी शुड मिंगल विद फ्रेंड्स ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा अपने फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ. इमिनेंट, होने वाला, जो होने वाला होता है उसे कहते हैं इमिनेंट. दिस इंसिडेंस इज इमिनेंट. अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, यानी बहुत पहले जो हुआ. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि अब जैसे ये कोविड है, कोविड हमारे इंडिया में इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था. ऑप्टिमिज्म, आशावाद. वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इवन इन निगेटिव कंडीशन. आशावाद यानी कि हमें किसी चीज़ की आशा होती है, उम्मीद होती है. फॉरगो, त्यागना,
किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, त्यागना। आई डिसाइडेड टू फॉरगो ऑयली डाइट, मतलब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऑयली डाइट यानी कि चिकनाई की चीज़ें नहीं खाऊंगा, उसे त्याग दूंगा। हेसिटेंट दुविधा में पड़ा हुआ, आई आस्क्ड विद अ हेसिटेंट स्माइल, मतलब मैं दुविधा में था, कंफ्यूजन में था और फिर भी मुस्कराकर पूछ रहा था। एनरोल यानी भर्ती, शी वॉन्टेड मी टू एनरोल इन अ लोकल हॉस्पिटल, मतलब वो चाहती थी कि मैं लोकल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊँ। थ्राइविंग संपन्न, इट इज़ थ्राइविंग टाउन, यानी कि ये टाउन यानी कि जो कस्बा है वो थ्राइविंग संपन्न है, यानी कि उसमें अच्छे लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं। ग्रैब्ड पकड़ना, आई ग्रैब्ड माउस, मैंने माउस को पकड़ लिया। कम टू टर्म्स विद, समझौता करना, आई केम टू टर्म विद वाया रिटन डील, मतलब मैं लिखित में समझौता करने आया हूँ। डेस्परेटली सख्त या बिना सोचे समझे, आई लव हिम डेस्परेटली, जैसे कभी हम कोई काम करते हैं बिना सोचे समझे कर लेते हैं, फिर हम बाद में सोचते हैं उसके बारे में, तो वो होता है डेस्परेटली। तो बच्चों ये थे आपके सभी हार्ड वर्ड्स चैप्टर 4 के, आपको भी ये सभी हार्ड वर्ड्स सेम इसी तरह से अपनी नोटबुक में आपको पहले हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, फिर मीनिंग लिखने हैं एंड देन सेंटेंस, और आप अपनी रफ कॉपी में इन्हीं हार्ड वर्ड से आप अलग से और सेंटेंस बनाओगे। एक हार्ड वर्ड से आपको एटलीस्ट 3 सेंटेंस अपने आप बनाने हैं, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी और आप सेंटेंस बनाने सीख जाओगे। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।